हम लोग भिलाई तीन पहुंच चुके हैं। ये है भिलाई तीन। मुझे तो कौन सी रूट है, ये दो रूट है, रूट है ना, वहाँ पे जाना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है या फिर और कहीं है जहाँ पे शिवलिंग निकला है। देखो शनि मंदिर और पूरा करके हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रोड पे का फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस तो अभी मॉर्निंग के 8:10 हो रहे हैं। देन गाइस आज सुबह से मैं उठ चुका था, लंबा राइड करने का प्लान था बट धीरे धीरे फिर आलसीपन आते गया, उसके बाद फिर मैं फिर से सो गया था 2 घंटे के लिए। उसके बाद फिर अभी जस्ट उठा हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ, पहले 1 बजे से ही मैं फ्रेश हो चुका था। अभी क्या है ना, धूप निकल नहीं रही है अच्छे से, तो और मौसम भी ऐसा बना हुआ है कि लग रहा है कि बस सोते रहो बस ऐसा। तो मैं वही एक वीडियो देख रहा था जब मुझे सजेस्ट किया यूट्यूब पे, कुरा करके गांव है वहां पे शिवलिंग निकला हुआ है, कई लोग वीडियो भी बना रहे हैं, क्या सच है क्या गलत है वो सारी जानकारी मैं सोचा कि इस पर एक व्लॉग बनाने चाहिए, कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं और रियल में शिवलिंग निकला है कि नहीं निकला है, सारी जानकारी इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। तो अभी निकलते निकलते 9:30 हो चुके हैं और आज वेदर देखो भाई, मतलब कि सबेरे अच्छा खासा कोहरा होगा, 6 बजे निकलता तो कोहरा देख पाता मैं तो। वक्त ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अपने को कुमारी तक जाना है, तो बाई रूट बतलाते हुए चलूँगा ताकि आप भी बड़े आसानी से पहुँच। तो इतना सारा पहन लिया कि ठंड लगेगा करके, लेकिन गर्मी लग रही है भाई, ठंड तो है ही नहीं। अभी मौसम पूरा देख रहे हो, खुला नहीं है अच्छे से। और अभी हम पावर हाउस पहुँच चुके हैं और देखो इतनी बड़ी बड़ी बसेस चल रहे हैं भाई सबेरे। और अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वंदे भारत से व्लॉग बनाइए करके, क्योंकि हमारी वीडियो को बहुत लोग पसंद करते हैं, पूरा डिटेलिंग में वीडियो बनाता हूँ ना इस वजह से। तो ठीक है भाई, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा वंदे भारत का अपन ट्रैवल करेंगे कि क्या क्या सुविधा उसमें मिलती है, और केवल 5.5 घंटे में आप बिलासपुर से नागपुर पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेन है नागपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से नागपुर चलेगी वंदे भारत। तो भाई अपन को भी देखना है भाई वंदे भारत। यहाँ पे भाई हर दिन एक्सीडेंट होते हैं, कुछ दिन पहले तो कुम्हारी वाली जो ओवरब्रिज है उस पर भी एक्सीडेंट हुए थे, कार गिर गई, बाइक गिर गई और 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। और नया साल भी आने वाले हैं ना, तो आप सब जानते ही हैं नया साल जैसे आने होते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्घटना होती ही रहती है। ये वाला जो मंथ है इस मंथ में अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं R1। और देखो यहाँ पे जाम लगी हुई है, यहीं पे बता रहा था मैं, अक्सर यही हालत रहते हैं यहाँ पे, जाम का सामना करना पड़ेगा आप सभी को, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से, बड़ी बड़ी गाड़ी आके फंस जाती है। ये हम लोग भिलाई तीन पहुँच चुके हैं, ये है भिलाई तीन। मैप पे देखता हूँ कि इस साइड से जाने का है या फिर आगे से ही जाने का है। तो मैं मैप पे वही देख रहा हूँ, चरोदा कॉलोनी करके लिखा हुआ है, अभी तो फ़िलहाल सीधे सीधे दिखला रहा है गूगल मैप भी। तो भाई सीधे ही सीधा चलना है, अभी तक हमने कहीं बाइक मोड़ी नहीं है। एग्जिट बताते हुए चल रहा हूँ आप सभी को ताकि आप भी बड़े आसानी से वहाँ तक पहुँच पाएंगे, और रियलिटी मैं बताऊँगा तभी आइएगा। हम कुम्हारी का टोल गेट पे आ चुके हैं, इससे क्रॉस करना है, गूगल मैप जो है सीधे सीधा बता रही है, देखते हैं इसके बाद रूट चेंज करना पड़ेगा या फिर सीधे ही जाना है। तो ये है खरू नदी, इसके ऊपर से हम लोग जा रहे हैं और साइड में थोड़ा कोहरा कोहरा सा दिख रहा है। तो ये टाटीबंध चौक है, अगर सीधा जाते हैं तो रायपुर के लिए है, लेकिन गूगल मैप बता रही है कि यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है, सीधा रायपुर नहीं जाना है। तो देखते हैं भाई कहाँ से और यहाँ से कितना किलोमीटर है वो भी बताऊँगा आपको आगे चल के थोड़ा सा, क्योंकि मुझे तो कौन सी रूट है, ये दो रूट है, देख लेता हूँ एक बार मैप पे कौन सा लेके जा रही है भाई। तो भाई मैप पे देखा हूँ मैंने, सही रूट पर हूँ मैं। एक और रूट बता रहा था ना, वो हाईवे बिलासपुर वाली हाईवे है, वो हाईवे पे नहीं जानी है अपने को, अपने को जो अपना बंजारी माता वाला रूट है ना उस पर आना है, और ये सीधा सीधा वहीं लेके जाती है बंजारी माता के लिए। ये वाले रूट पर मतलब कि पाउडर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्राकृतिक पाउडर मिलेगा आपको रोड वाला।
तो यहाँ से गाइस 22 किलोमीटर है। यहाँ पे लिखा हुआ है हीरापुर जाने का रास्ता ये वाला है, टाटीपन जाने का रास्ता ये वाला है। तो यहाँ से एग्जैक्ट है 21 किलोमीटर की दूरी पर है, तो चलते जाना अपने को, मुड़ना तो कहीं है ही नहीं। ओ भाई बस चले पड़े हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक चलते रहते। हाईवे बना नहीं था ना तब मैं यहीं से जाता था अंबिकापुर के लिए। अंबिकापुर भी मैं निकल जाऊंगा 18 या 19 तारीख को निकलूँगा। तो यहाँ पे लिखा है गो गांव गुड़ियारी, गुड़ियारी यहाँ से जा सकते हैं राइट साइड से, लेकिन अपने को तो फ़िलहाल सीधा ही चलना है। उरला तो मेंशन किया गया है, गो गांव भी मेंशन किया गया है, फ़िलहाल आगे ही जाना है। पता चल रहा है आप उरला में घुस गए, उरला में नहीं जाना है। गाइस तो यहाँ पे लिखा हुआ है विधानसभा सिमगा बिलासपुर अंबिकापुर और रायपुर शहर के लिए सेट है, लेकिन अपने को जो सिमगा और बिलासपुर वाली रूट है ना वहाँ पे जाना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है क्योंकि गूगल मैप यही बता रही है। भाई काफ़ी दूर है यार, पुरकुरा और भूख भी लगी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं आसपास में कुछ नाश्ता कर लूँ अगर इडली डोसा मिलता है तो। यहाँ से 9 किलोमीटर दिखला रहा है गूगल मैप पे। तो गाइस ये देखो यहाँ पे उरकुरा करके लिखा हुआ था, तो यहाँ से अपने को राइट लेना है। बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है, औद्योगिक क्षेत्र भानपुरी करके लिखा हुआ है, इधर ही जाना है अपने को। चलो बाबा यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और देखने की कोशिश में लगे हुए हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन यही है या फिर और कहीं है जहाँ पे शिवलिंग निकला है। उरकुरा तो यही स्थल है, बड़े बड़े गाड़ियाँ यहाँ भी है भाई, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ छोटे मोटे कारखाने हैं, ट्रक वगैरह चलती रहती है वाली रूट पर। ये देखो पूरे कारखाने हैं छोटे मोटे, एक बार देख लेता हूँ भाई मैप पे। तो मैप तो सीधा ही दिखला रही है, ठीक है उसके बाद फिर कहीं मुड़ना है ऐसा करके पता चला है, मैप बता रही है उरकुरा। यहाँ भी अच्छे खासे पेड़ पौधे हैं भाई, वहाँ ठंडा ठंडा लग रहा है। गांव एंट्री करेंगे ना वहीं आसपास में पूछेंगे लगभग अभी कितना किलोमीटर रह गया है, 6 किलोमीटर रह गया है। तो अपने को यहाँ से मुड़ना नहीं है, अपने को आगे से मुड़ना है। सब हमें ही देख रहे हैं, ये वाली रूट पर तो फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। यहाँ से कुछ कुछ लोग निकल रहे हैं, यहीं कहीं है क्या पूछता हूँ। नहीं यहाँ पे तो स्टेशन है, उरकुरा तो इस साइड है। बड़े बड़े कंपनी है भाई इस साइड तो, सब काम पे लगे हुए हैं। ये तो उरकुरा करके लिखा हुआ है, उरकुरा बस्ती यहीं होगा। देखो शनि मंदिर उरकुरा करके लिखा हुआ है, ये शनि मंदिर है उरकुरा का। अब देखना ये है कि कहाँ पे शिवलिंग निकला है, आसपास के एरिया में पूछना पड़ेगा। गूगल मैप अब बंद कर देता हूँ मैं। ये तो पूरी बस्ती नज़र आ रही है उरकुरा का। किसी न किसी से पूछ लेते हैं भाई, नहीं तो घूमते रह जाएंगे। अच्छा दिख गया मुझे, वो वहाँ पर है। सही है भाई, सही लोकेशन पे आए हैं अपन, उरकुरा। दिख गया मुझे कहाँ पे शिवलिंग निकला हुआ है, तो चलो पास चलते हैं। अगर आप गूगल मैप के थ्रू आ रहे हैं तो एकदम सही लोकेशन पर पहुँचेंगे आप। तो यहाँ से अपने को राइट लेना है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ भी नज़र आ रही है, श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं
दर्शन करने के लिए और देखने के लिए, हो गया ना भाई तेरे की। यहीं कहीं गाड़ी पार्क करते हैं, देखो दुकान भी लग चुके हैं। ये देखो श्रद्धालु आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। गाइस तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं उरकुरा, और जहाँ पे शिवलिंग निकला है वो भी आप लोगों को हम दिखलाने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पूजा अर्चना चल रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन बताते हुए आया हूँ मैं, और दिखलाता हूँ आप सभी को शिवलिंग, और मैं भी पूजा कर लेता हूँ भाई, इतना दूर आया हूँ तो। और आज मंडे भी है। ये बात करूँ तो मैं यहाँ से होते हुए आया हूँ मैं, और यहाँ पे आप नारियल ले सकते हैं। देखो दादाजी नारियल की दुकान भी लगाए हुए हैं, और कुछ लोग पहुँचे हुए हैं क्योंकि अभी मॉर्निंग का समय है। और इस साइड में आप देख सकते हैं तालाब है, इसमें कमल के फूल भी खिले हुए हैं। तो इसमें कमल के फूल खिले हुए हैं, अभी खिल भी रहे हैं। और आसपास के एरिया देखो, वहाँ भी मंदिर है, ये देखो यहाँ भी मंदिर है, और एक मंदिर यहाँ भी है, वहाँ भी अपन चलेंगे। लेकिन जो शिवलिंग है वो यहाँ पे निकला हुआ है, जो आपको मैं अभी दिखला रहा हूँ। तो चलिए पास चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं महादेव जी का। मैं जूते चप्पल उतार दिए हैं, और जहाँ दिखलाता हूँ आप सभी को शिवलिंग। ये देखो यहाँ पे शिवलिंग निकला है, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं लोग, घर बैठे दर्शन करिए आप भी। ये है बरगद का पेड़, देखो इसके जस्ट जड़ के पास में निकला है शिवलिंग। साफ करे लगत ना एक मिनट पर रुकी रही। क्या हो गया? तो कितने सारे लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, कहाँ से आए हो आप? हम लोग अटलवासपुरा से। अच्छा अच्छा, देखते हैं करके हैं। बहुत अच्छा आप दर्शन कराते हैं जी, अच्छा लगता है। धन्यवाद। तो अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ते ही जा रहा है, और सब अपने अपने श्रद्धा अनुसार पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब अपने अपने श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहे हैं। वाकई में शिवलिंग दिख भी रहा है आप लोगों को, मैं और पास से दिखलाऊंगा। अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं सब अपने अपने श्रद्धा अनुसार। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा पास से दिखलाता हूँ शिवलिंग, और बोलते हैं कि शिवलिंग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं करके। तो अभी मैं आप लोगों को पास से पूरा दर्शन कराया हूँ, और आप देख सकते हैं भक्तगण धीरे धीरे आ ही रहे हैं। जिनको जिनको पता चल पा रहा है वो सब आ ही रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये जो शिवलिंग है ये धीरे धीरे बढ़ भी रही है। मैं आप लोगों को दिखलाया हूँ शिवलिंग, और किसी को कोई सपना वगैरह नहीं आया है। यहाँ पे जो मकान दिख रहा है, इनको पता चला जब ये गाड़ी वगैरह धो रहे थे, तो गाड़ी धोते धोते इनको ये पत्थर नज़र आया, और गांव वाले लोगों को दिखलाए, तो सब इनकी पूजा अर्चना करने लगे कि ये शिवलिंग करके। और ये बरगद का पेड़ है,
अभी तो अच्छा अच्छा सजा रहे हैं इनको, और मेरी वीडियो के माध्यम से आप भी आइएगा दर्शन करने के लिए। एक और मंदिर है वहाँ भी चलते हैं, दर्शन करते हैं। गाइस तो यहाँ पे शिवलिंग निकला है जो आप लोगों को मैं अभी दिखला रहा था। देन सामने में एक और मंदिर है, वो भी अपन दर्शन कर लेते हैं जब इतने दूर आए हैं तो। और ये सब गाँव के लोग हैं, जिनको जिनको पता चलते जा रहे हैं वो सब भी आते जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये देखो एक और मंदिर यहाँ पे, तो इनका भी हम दर्शन करा देते हैं। ये भी बहुत प्यारा मंदिर है, तो गाइस आप भी घर बैठे दर्शन करिए। सब जल चढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे खेत खलिहान तालाब है इस साइड में, और एक बार यहाँ से भी दर्शन करा देता हूँ आप सभी को। ये देखो गाइस, तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया व्लॉग पे।